यूपी में 25 खाट पंचायतें करके राहुल गांधी लौट रहे थे, उनके स्वागत के लिए हरियाणा के दो दिग्गजों के समर्थक आपस में भिड़ गए। राहुल गांधी यूपी की खाट छानकर दिल्ली लौट ही रहे थे कि कांग्रेसियों में लट चल गए। फिलहाल तो ये समझना मुश्किल है कि किसके सिर पर किसकी लाठी बरस रही है और कौन किसका टारगेट है। दिल्ली के भैरव मंदिर के पास कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थक राहुल गांधी के स्वागत के लिए उमड़े थे, लेकिन लाठी ऐसी गर्जी कि किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ पैर टूटा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपस में बहसा बहसी, खींचा तनी और लाठियां चलने लगी हैं, क्योंकि हुड्डा के सपोर्टर्स और अशोक तंवर के सपोर्टर्स आपस में भिड़ गए हैं और बिल्कुल तरह एक तरीके से लाठियां चलने लगी हैं। दोनों नेता हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, भूपेंद्र हुड्डा पूर्व सीएम हैं तो अशोक तंवर राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन नारेबाजी और पोस्टर फाड़ने को लेकर बात ऐसी बढ़ी कि लठ लहराने लगे। कांग्रेस पार्टी एकजुट है राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी यूपी में करीब 25 दिन तक किसान पंचायत करके थके मांदे दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन हरियाणा के दो बड़े नेताओं के समर्थकों की लठबाजी का नजारा सामने था। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। दो गुटों के समर्थक एक दूसरे को लाठियां मार रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि पार्टी एकजुट है। वहां पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर हो हल्ला भले ही अभी नहीं थमा, लेकिन दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक की भी तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सेना ने दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली है, उस तैयारी में वो जुट गए हैं। LOC के करीब पीओके में आतंकी ठिकानों पर सेना फिर प्रहार जल्द करेगी। सेना के पास आतंकी गतिविधियों की पूरी जानकारी है। सूत्रों की माने तो आतंकियों की सूचना तंत्र को डिकोड करके सेना दूसरे स्ट्राइक को अंजाम देगी। LOC के रास्ते कई आतंकी संगठनों के आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में अभी भी हैं। टेरर लॉन्च पैड से लोलाब वैली, कुलगाम, तंगधार, रजवार जंगल में कई आतंकी छुपे बैठे हैं। बांदीपुरा, हंडवारा, रफियाबाद में भी आतंकियों के छुपे होने की खबर है। सेना को इस सब की जानकारी मिल गई है और उनकी बातचीत डिकोड करके सेना इन जगहों पर भी कार्रवाई करेगी। कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स पर खास तौर पर सेना की इस वक्त नजर है। आतंकी वारदात को देखते हुए LOC पर सेना की रिजर्व बटालियन ने मोर्चा संभाल लिया है। पहली पंक्ति की सुरक्षा मजबूत होने के बाद दूसरी पंक्ति की सुरक्षा को भी दुरुस्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक LOC पर आतंकी उड़ी जैसे हमले करने की फिराक में बैठे। पीओके में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी आतंकवादी पूरी तरह से बौखला गए हैं। इस बार इन्होंने हंडवाड़ा के राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की। सेना ने हमले को नाकाम किया, 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने हुए साजो सामान एक बार फिर से बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान के पालतू आतंक का ये मुर्दा सबूत है। ये तीनों आतंकी हंदवाड़ा में सेना के कैंप को तहस नहस करने का मंसूबा बनाकर आए थे, लेकिन सेना के जाबाजों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुबह करीब 5 बजे सेना की वर्दी में आतंकियों ने हंदवाड़ा के लंगेट में 30 राष्ट्रीय राइफल कैंप पर हमला बोल दिया। जवाबी फायरिंग में आतंकी भागे तो सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसमें हेलीकॉप्टरों का भी सहारा लिया गया। एक सेब के बागान में आतंकी घिर गए। मुठभेड़ में सेना ने तीनों को गोलियों से भून डाला। हमने इल्यूमिनेशन राउंड द्वारा उस इलाके को इल्यूमिनेट किया और ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया। आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल, मैगजीन, लॉन्चर, सैटेलाइट मोबाइल फोन, चाइना की बनी बैटरियां बरामद हुई है। उनके पास से पाकिस्तान में बने बिस्किट, बैंडेज, दवाइयां और उर्दू में लिखी डायरी भी मिली है। आतंकियों के पास से ड्राई फ्रूट्स के कई पैकेट मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो कई दिनों की तैयारी के साथ आए थे।
उनको मारे जाने के बाद, तीन आतंकवादी जो मारे गए उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का ये सामान उनसे जो बरामद हुआ है। ये ग्लव्स मिले हैं, साथ में रस्सियां, ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट, ये बिल्कुल चीजें लेके चलते हैं इंस्टेंटली। कोशिश यही थी कि काफी लंबे समय तक जो फौज है उसको रखा जाए किसी ना किसी तरीके से एंगेज करके। ये बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी उनके सेट्स और आईडीज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से जो सामान मिला है उस पर पाकिस्तानी मार्किंग है। ये आप क्रेप बैंडेज देख रहे हैं, इस क्रेप बैंडेज पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गुजरेवाला पाकिस्तान में बनाई गई है। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकियों ने हंदवाड़ा में सेना कैंप पर हमले के अलावा नौगाम और रामपुर में घुसपैठ की भी कोशिशें की, जहां नौगाम में सेना ने घुसपैठिए को मार गिराया। नौगाम में अंकित त्यागी और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और इस सबके बीच भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव का माहौल है। फौज किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, तो बॉर्डर पर बीएसएफ भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सीमा पर चौकसी का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। सीमा पर तनाव है और फौज मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर की अब्दुल्ला पोस्ट से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। बीएसएफ के जवान मेरे पीछे पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये एक अहम हिस्सा है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। ये होता ही रहता है, लेकिन अब 100% जिसे कहते हैं 100% विजिल बढ़ गया है। और फेंसिंग से उस साइड पाकिस्तान है, जो पेड़ों की लाइन है उनसे उनका पीछे गांव है और उनके पोस्ट भी है। ये हम अपने इलाके में फेंसिंग है, उसका हम चेकिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। बीएसएफ के जवान बुलेट प्रूफ बंकर में 24 घंटे गश्त पर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से एग्रेसिव बिहेवियर जिसे कहते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बंकर है और उसके बिल्कुल कुछ मीटर पे जाके 1 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा बंकर है। और इसी तरह से चप्पे चप्पे पे अगर हम देखे जाएं, चाहे ना कि सिक्योरिटी है बल्कि अगर हम बात करें फुट पेट्रोल है और बाकी बंकर्स भी लगे हुए हैं, लगातार चेकिंग हो रही है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों के लोग पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से परेशान हैं। ज्यादातर लोग इलाका छोड़ चुके हैं, जो बचे हैं वो घरों में बनाए बंकरों में कैद हैं। काफी मुश्किल है ये इस बंकर के अंदर गुजरना, और मगर गांव के लोग जो हैं पहुंच चुके हैं। आज तक की टीम भी इस बंकर में जाने की कोशिश कर रही है, और यहां पर कुछ लोग हैं जो कि रात को सोएंगे। इस आसपास के इलाका है, करीब 4000 की पॉपुलेशन के लोग जो हैं यहां से प्लान कर चुके हैं। सर वैसे तो ये पिछले 4-5 दिन से लगातार फायरिंग जो इस एरिया में चल रही है, लेकिन कल से कुछ ज्यादा ही फायरिंग हुआ है, उसकी वजह से लोगों में काफी दहशत है। पीओके में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही बीआरओ पोस्ट के आसपास के 400 परिवार अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। कमलजीत संधू के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। करीब साल भर पहले ही दादरी में बिसाड़ा गांव में नफरत के शोले दहके थे, तब मोहम्मद अखलाक नाम के एक शख्स को भीड़ ने घर में गाय का मांस रखने के आरोप में मार डाला था। अब अखलाक के हत्या के आरोपी की मौत के बाद एक बार फिर इस गांव में सियासत गरमाई हुई है। दादरी के बिसाहड़ा गांव में मातम है, गुस्सा है। अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की जेल में मौत के बाद से एक बार फिर गांव में तनाव के हालात हैं। घर में मातम पसरा है। मैंने बेटा अपना हाथ तक दिया है, आज मेरे बेटा कैसे मर का आएगा, यहाँ मेरे बेटा कैसे मर का आएगा, मेरा जिंदा चाहिए, मेरे लाला, मेरा रवि जिंदा चाहिए मुझे। गांव वालों ने रवि की लाश को तिरंगे में लपेटकर गांव के चौराहे पर रख दिया है। 2 दिन बीत गए लेकिन अंतिम संस्कार नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा के बिसहड़ा गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है। महिलाएं गांव में देख पा रहे हैं, वो यहां पर धरने पर बैठी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ जो रवि है जिसकी जेल में बीमारी हुई थी, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया था और उसकी मौत हो गई। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि जेलर ने पिटाई की, इस वजह से मौत हुई। अनहोनी की आशंका में बिसहड़ा में बड़े पैमाने पर फोर्स लगा दी गई है। पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो चुका है। एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड ने गांव में डेरा डाल रखा है। शर्त रख दी है कि पहले मांगे मानो, फिर शव का होगा अंतिम संस्कार। 1 करोड़ रुपया रवि की पत्नी को, जो 1 साल की नन्ही सी बच्ची है, उस परिवार को दिया जाए,
सरकारी सुविधाएं दी जाए, उसको भी फ्लैट दिया जाए, जरा सरकार दरिया दिल दिखाए ना। करीब साल भर पहले इसी गांव में इखलाक नाम के एक शख्स को घर में गोमांस रखने के आरोप में लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। तब ये गांव सियासत की भट्टी पर चढ़ गया था। अब इखलाक की हत्या के आरोपी की मौत पर एक बार फिर इस गांव में नफरत की चिंगारी सुलग रही है। अरविंद ओझा, बिसेड़ा गांव, दादरी, आज तक। देश में कई लोग हैं, कई नेता हैं जिन्हें विश्वास नहीं है कि सच में सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं, उनको सबूत चाहिए। ऐसे सभी लोगों को क्या कहा सुपरस्टार अक्षय कुमार ने, आप भी सुनिए। आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर होगी कि नहीं। अरे शर्म करो,